फ्रेंड 24 स्लॉट व्यवस्था तो आपने बहुत से वाइंड किए होंगे, लेकिन आज हम रिवाइंड करेंगे 36 स्लॉट का व्यवस्था। 36 स्लॉट का व्यवस्था होता है ये मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में या बड़े बड़े प्लांट्स में। और ये जो व्यवस्था होता है 24 स्लॉट के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा इसकी लाइफ होती है, बिकॉज इसके स्लॉट भी ज़्यादा होते हैं और इसमें कॉयल भी थोड़ा सा बड़ा डलता है, और इसमें जो वायर नंबर होता है वो भी चेंज होता है 24 स्लॉट के मुकाबले। सो आज के इस वीडियो में पूरी हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। एंडिंग में हम यूज़ करेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर से हम टर्न डालेंगे इसमें 105, 105 और 105, और इसकी रनिंग की पिच रखेंगे हम 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9, सभी में कॉइल को एक एक बार ही घुमाया जाएगा। इसी तरह हम इसकी स्टार्टिंग की पिच रखेंगे 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10, और इसमें जो टर्न रखेंगे हम 95-95 टर्न, और इसमें तार नंबर यूज होगा स्टार्टिंग में 36 स्लॉट ब्यॉसमैन के 27 नंबर, और इसमें हम जो 1 से 6 पिच होगी उसमें कॉइल को एक बार घुमाएंगे, 1 से 8 पिच में हम कॉइल को 2 बार घुमाएंगे, और 1 से 10 पिच में भी कॉइल को 1 बार ही घुमाएंगे, और 1 से जो 10 का पिच का कॉइल होगा उसके ऊपर एक और कॉइल आके डलेगा। सो इस तरह होगा इसका डाटा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में इसको लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी वाइंडिंग के बारे में पता चल सके और बाद में आपको कोई भी परेशानी इस मोटर को बनाने में ना आए। सो अगर आपकी मोटर इस स्टेटस से हीट होती है तो प्लीज़ अपने बुश और शावर को जरूर चेक कीजिए, अगर बैरिंग है तो उनको ग्रीस शुरू कीजिए। सो मोटर का गर्म होने का कारण सिर्फ वाइंडिंग ही नहीं होती, हमारे बैरिंग साइज लूज़ होते हैं, हमारी जो शावर होती है वो घिस जाती है, और हमारे बुश जो होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं। सो इन बातों को फिटिंग करने से पहले ज़रूर चेक करें। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइंड करेंगे एक एग्जॉस्ट फैन। ये देखिए 36 स्लॉट का एक एग्जॉस्ट फैन है, आज हम इसको रिवाइंड करेंगे। ये देखिए, ये है इसका डिज़ाइन जहाँ पीछे कवर लगता है। इसके टोटल स्लॉट हैं 36। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसकी वाइंडिंग। सो फ्रेंड्स, इस मोटर में कुछ खास आपके लिए। खास क्या है कि आज हम इस मोटर को रिवाइंड करेंगे अल्मीनियम की वाइंडिंग से। हम इसमें आज अल्मीनियम की वायर यूज करेंगे। सो ये एग्जॉस्ट है 36 स्लॉट का, करते हैं इसको वाइंड बिना टाइम वेस्ट किए। बीच में आपको मैं इसका कॉइल का साइज भी बता दूंगा और कैसे वाइंडिंग होगा वो भी आपको सारा समझाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो साथ में दबाइए बेल का आइकॉन ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सो फ्रेंड्स, मैं बनाता हूँ इसका पहला कॉइल, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने बना लिया पहला कॉइल, आप कर सकते हैं कहीं से भी इसको स्टार्ट। मैं करता हूं जहां से इसको शुरू। लेकिन कॉइल डालने से पहले हम करेंगे इसकी कोर की मेजरमेंट। इसकी कोर लेंथ है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच। इसका इनर डाया है अप्रॉक्सीमेट 3 इंच। इसका आउटर डाया है अप्रॉक्सीमेट 5 इंच। ये थी इसकी कोर की मेजरमेंट। अभी बढ़ते हैं आगे। जो हमने पहला कॉइल डालना स्टार्ट कर दिया, बीच में हम छोड़ेंगे 3 स्लॉट।
जी हमारे घरों में जो कूलर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है मोस्टली। मैं इसमें क्रैम्पल का ही पेपर यूज़ करूँगा। सो फ्रेंड्स इसका कॉइल साइज है अप्रॉक्सीमेट 27 इंच। साइज 3 इंच होगा इसका कॉइल साइज। आप उसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप इस तरह से इसका कॉइल डालिए आराम से। जो हमारा पहला कॉइल डल चुका है मेरे हिसाब से ये ठीक है। इसका आप कॉइल साइज रखिए 27.3 इंच। मैं बनाता हूँ बाकी इसके 3 कॉइल, फिर करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट कॉइल। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, मैं बताऊंगा आपको इसका पूरा डाटा, साथ ही में आपको बताऊंगा इसका वाइंडिंग का ट्रेंड। फ्रेंड इस मोटर का वाइंडिंग का डाटा इस तरह से है। आप इसमें तार नंबर यूज करेंगे 26 यानी कि 26 नंबर और टर्न डालिए इसमें 105 और पिच रखिए इसकी 579, बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़िए। सो
वीडियो को देखिए लास्ट तक, मैं साथ में इसका डाटा भी रिपीट करता जाऊंगा, वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में रिपीट किया जाएगा। So friend, this motor's winding data is the pitch will be 1:5, 1:7 and 1:9, and the standard wire gauge you will be used is 26, and the turn will be used 105. So you can visit our website motorcoilwindingdata.blogspot.com, link in description. So don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप देखिए लास्ट तक। इस वीडियो को बनाने का पर्पस होता है कि आपको पूरा इसका स्टैंडर्ड वायर गेज और डाटा के बारे में पता लगे। हमारे कुछ भाई बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड वायर गेज कौन सा है, इसमें टर्न कितनी डली हैं। सो फ्रेंड, मेरे लिए हर एक फ्रेंड को पर्सनली बताना इसका डाटा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज काफ़ी कमेंट आते हैं, मैं सबको रिप्लाई पढ़ता, मैं सब कमेंट को हूँ कि किसने क्या क्वेश्चन किया, लेकिन सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखिए, और हर एक वीडियो में मैं पूरा डाटा बताता हूँ, स्टैंडर्ड वायर गेज भी बताता हूँ, टर्न भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सो इतना आप ख्याल रखें कि वीडियो में सब कुछ बताया होता है। सो फ्रेंड्स, हम डाल रहे हैं अपना चौथा क्वाइल। डेटा एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 26 नंबर से रिवाइंड कीजिए, टर्न रखिए 105, और स्टैंडर्ड वायर गेज आपको बताया 26, पिच रखिए 579। ये एक कूलर की मोटर, एग्जॉस्ट फैन की मोटर है, इसमें लोहे के पर लगते हैं, 1440 के आरपीएम होंगे। ये एक 18 इंची एग्जॉस्ट फैन की मोटर है जो कि 1440 आरपीएम में रिवाइंड होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा फेसबुक का जो ऑफिशियली पेज है इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, उसको फॉलो करना मत भूलिए। हम वहाँ पर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से डाटा भी मिलेंगे, वहाँ पर आप अपने साथ हमारे साथ अपनी मोटर्स की फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल ट्रेंड है हमारा फेसबुक का ऑफिशियली पेज, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो फॉलो कीजिए प्लीज वहां पर। हम डाल रहे हैं इसका लास्ट कॉइल।
सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट कॉइल अप्रॉक्सीमेट डल चुका है। ये देखिए, ये एक एग्जॉस्ट फैन की 1440 आरपीएम की मोटर है, जिसको हमने वाइंड किया एल्युमिनियम की वाइंडिंग से। ये हमने सिंगल स्पीड में बनाई है, आप चाहे तो इसको थ्री स्पीड में भी वाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये मोटर थ्री स्पीड में चाहिए, नीचे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये मोटर थ्री स्पीड में चाहिए तो मैं इसको थ्री स्पीड में वाइंड करके आपको वीडियो बना के दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट वो भी लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसके बारे में आपको क्लियरली बताया जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल का आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी इसका नया वीडियो आए सबसे पहले यूट्यूब की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो इसका स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, ये है कि एग्जॉस्ट फैन जो कि 36 स्लॉट का है, इसको हम रिवाइंड करेंगे एल्युमिनियम में। लास्ट वीडियो में हमने इसकी रनिंग वाइंडिंग कवर की थी, इसके बारे में आपको बताया था इसकी रनिंग में कौन सा स्टैंडर्ड वायर गेज यूज़ होगा, कितने इसमें टर्न लगेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इसकी टोटली वाइंडिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो अगर आप इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिखिए इस वीडियो को लास्ट तक, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में करेंगे हम आज इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। सबसे पहले इसके जू करेंगे नीचे, जू आप पत्ती की हेल्प से कर सकते हैं नीचे। हमने इसको एल्युमिनियम की वायर से वाइंड किया है। ये एक एग्जॉस्ट फैन की 36 स्लॉट्स की मोटर है। तो फ्रेंड्स, हम पहला कॉइल डाल रहे हैं, क्रैम्पल का हम इसमें पेपर यूज कर रहे हैं, 7 नंबर का। सो फ्रेंड्स,
हर एक स्लॉट में क्वेल ने एक बार घूमना है। इसका क्वेल साइज है नियर अबाउट 28 इंच। सो फ्रेंड्स, हमने अपना पहला क्वाइल डाल लिया है, सेकंड क्वाइल डालने जा रहे हैं। फ्रेंड, 36 स्लॉट ग्यॉस फैन का स्टार्टिंग का डाटा इस तरह से होगा। स्टार्टिंग में हम पिच रखेंगे सेम 1 से 6, 8 और 10, और स्टार्टिंग में हम टर्न डालेंगे 95 और यानी कि 95 है, और स्टार्टिंग में हम तार नंबर यूज़ करेंगे 27 यानी कि 27 नंबर, और 1 से जो 6 पिच होगी उसमें क्वाइल को एक बार घुमाया जाएगा, 1 से जो 8 पिच होगी उसमें 2 बार। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए देखिए। मैं साथ ही में डाटा रिपीट करता जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हम डालने जा रहे हैं अपना तीसरा क्वाइल। यू कैन यूज टू रिवाइंड दिस मोटर स्टैंडर्ड वायर गेज इज 28 इन स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड द टर्न विल बी 95 एंड द पिच यू कैन 1 to 6, 1 to 8 एंड 1 to 10। टर्न विल बी ईच। यू कैन ज्वाइन आवर वेबसाइट मोटर क्वाइल वाइंडिंग डाटा .blogspot.com, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर वेबसाइट एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फेसबुक पेज इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विजिट अवर फेसबुक पेज इलेक्ट्रिकल ट्रेंड, यू कैन लाइक our Facebook page. Data I can repeat, pitch will be 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10 and the turn will be 95. You can use standard wire gauge of 28. Any of our friends from Singapore, Malaysia and Thailand and European country, so type in comment box your country. We will be provide this video on your official language. So don't forget to type your country in comment box.
फ्रेंड्स, आप हमारा फेसबुक का पेज भी जो पिछली इलेक्ट्रिकल ट्रेंड है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज का, सो प्लीज आप उसको भी लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम डाल रहे हैं अपना लास्ट कॉइल। सो फ्रेंड्स, जे मोटर हमारी अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुकी है। कनेक्शन आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। सो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज आपके लाइक बहुत कम आते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही हौसला बढ़ाता है और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए और भी हौसला मिलता है। सो फ्रेंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ जो आप टाइप करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स एंड गुड बाय।